हेलो गाइस, वेलकम टू इन दिस चैनल। उम्मीद है आपकी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो को हम एक एग्जाम टेस्ट की तरह लेते हैं और इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो सो प्लीज़ स्टे विथ अस एट द एंड ऑफ द वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना, छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना, कौन से वर्ष में बना? तो है 1862 में। 1862 में छत्तीसगढ़ एक संभाग बना। इसका मुख्यालय कौन सा था? इसका मुख्यालय बनाया गया था रायपुर को, और इसके साथ ही बिलासपुर तथा संबलपुर को जिला बनाया गया था। तो सन याद रखिए 1862। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने तुम्बाड़ में राजधानी स्थापित की? तुम्बाड़ में राजधानी कौन से कलचुरी शासक ने स्थापित की? इसका आंसर है कलिंग राज। कलिंग राज ने तुम्बाड़ में अपना क्या स्थापित किया था? राजधानी स्थापित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, मड़वा महल किस वंश की स्थापत्य कला का नमूना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मड़वा महल किस महल किस वंश की स्थापित कला का नमूना है? जो मड़वा महल है कौन से वंश के द्वारा बनाया गया है, स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है फड़ी नाग वंश के द्वारा। फड़ी नाग वंश के द्वारा मड़वा महल का निर्माण किया गया था, और इसके साथ इस फड़ी नाग वंश ने भोरमदेव छिरकी महल इसका भी स्थापित किया गया था। तो याद रखिए मड़वा महल फड़ी नाग वंश। नेक्स्ट देखते हैं, परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को कब फांसी दी गई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। गेंद सिंह को कब फांसी दी गई थी, जो कि परलकोट के जमींदार थे? तो इसका आंसर है 20 जनवरी 1825 को। 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को क्या दिया गया था? फांसी दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है? देखिए, विकास योजना का प्रारूप किसी जिले के लिए कौन तैयार करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जिले के लिए जिला योजना समिति जो होती है वो किसी भी जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है। तो याद रखिए जिला योजना समिति। नेक्स्ट देखते हैं, यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं से लंबित है तो सरपंच के रूप में कौन काम करेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से क्या हो गया, लंबित हो गया, तो सरपंच के रूप में कौन कार्य करेगा या कौन करता है? ऑप्शन है उप सरपंच, वरिष्ठम पंच, या ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच, या कलेक्टर द्वारा नामित व्यक्ति। तो इसका आंसर है ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच सरपंच की जगह काम करेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक एवं योग विज्ञान महाविद्यालय कहाँ स्थित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक एवं योग विज्ञान विद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है आपके नागपुरा में, नागपुरा में स्थित है, जो कि दुर्ग जिले में है। तो नाम याद रखिए, नागपुरा दुर्ग जिले योग विज्ञान महाविद्यालय। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? जिसे इस प्रकार से देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में कौन से जलवायु का फैलाव होता है? तो छत्तीसगढ़ में कौन सी जलवायु का फैलाव, तो इसमें है उपाद्र महाद्वीपी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसे रिपीट भी करते हैं हर एग्जाम में। तो इसे आप अच्छे से कंठस्थ याद रखिए, उपाद्र महाद्वीपी की पॉइंट है ये, छत्तीसगढ़ में जलवायु का फैलाव है। नेक्स्ट देखते हैं, रायपुर जिले से कितने जिलों की सीमाएं लगी हुई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से संपर्क में है या लगी हुई है उनकी सीमाएं, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, अब जिले से पूछते रहे हैं। तो रायपुर जिले कितने जिलों की सीमाएं से लगी हुई है? तो इसका आंसर है 6 जिलों की सीमाएं से लगी हुई है। तो अब छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले हैं उसे आप अच्छे से उसके मैप को याद कर लीजिए, इससे और रायपुर की जगह किसी और जिले का नाम रख के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, रिहंद नदी किस नदी की सहायक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। यह कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है छुरी के मतिरंगा पहाड़ी से। यह सरगुजा की जीवन रेखा नदी भी है। सरगुजा की जीवन रेखा नदी कौन सी है? रिहंद नदी। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक चूना पत्थर का उत्पादन होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चूना पत्थर का उत्पादन छत्तीसगढ़ के किस जिले में अधिक होता है? जिसका आंसर है रायपुर जिले में। रायपुर जिले में चूना पत्थर का उत्पादन अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आरी डोंगरी लौह अयस्क क्षेत्र कौन से तहसील में स्थित है? तो देखिए ये बहुत ही फेमस जगह है आरी डोंगरी लौह अयस्क, इससे क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह कौन से तहसील में स्थित है? यह है भानुप्रतापपुर तहसील में। की पॉइंट है, इसे आप अच्छे से याद रखिए, भानुप्रतापपुर तहसील क्या स्थित है यहाँ पे? आरी डोंगरी लौह अयस्क। नेक्स्ट देखते हैं, भिलाई बोकारो दुर्गापुर राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ था कौन सी पंचवर्षीय में? तो पंचवर्षीय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यह द्वितीय पंचवर्षीय में स्थापित हुआ था, कौन से सन में? 1955 में। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस जनजाति की जीवन यापन का प्रमुख स्रोत बांस शिल्प है? देखिए इसे आप पढ़ के भी जाते हैं लेकिन एग्जाम में क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि क्या पढ़ के आया था। तो देखिए बांस शिल्प प्रमुख जीवन यापन का स्रोत है कमार जनजाति की, इसे भी आप अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, नर्तन सर्वस्व के लेखक हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से याद रखिए। नर्तन सर्वस्व के लेखक, इसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसके लेखक हैं राजा चक्रधर सिंह। कौन? राजा चक्रधर सिंह, नर्तन सर्वस्व के लेखक। और राजा चक्रधर सिंह ने जितने भी पुस्तक लिखे उसे भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, कुई बोली कौन बोलते हैं? कौन सी बोली? कुई बोली। देखिए जनजातियों में बहुत सी बोली प्रचलित है, उसे भी आप अच्छे से पढ़िए। यहाँ पूछा गया है कुई बोली, कुई बोली बोलते हैं कौंध में, कौन से में? कौंध में, याद रखिए कौंध में कुई बोली प्रचलित है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस चिकित्सक को पद्मश्री प्राप्त है? अब देखिए इतने सारे चिकित्सक हैं, इसमें से किसे पद्मश्री प्राप्त हुआ है? जिसका आंसर है डॉक्टर ए टी दाबके, डॉक्टर ए टी दाबके को पद्मश्री प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? जिसका जन्मस्थल है चंपारण, जो कि रायपुर में स्थित है। कौन से सन में इसका जन्म हुआ था? 1479 में। देखिए ये वैष्णव धर्म से संबंधित थे, इससे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वल्लभाचार्य ने कौन से समुदाय की स्थापना की? तो थी रुद्र समाज की, रुद्र समुदाय की क्या की थी? स्थापना की थी महाप्रभु वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने ओलंपिक में भाग लिया? देखिए इसमें से कौन से खिलाड़ी हैं जिसने ओलंपिक में भाग लिया था? इसका आंसर है क्लाडियस, क्लाडियस ने ओलंपिक में भाग लिया था। यह बिलासपुर के, इनका जन्म बिलासपुर में हुआ था। इन्होंने 1948, 1952, 1956 और 1960 में ओलंपिक खेल में अपना सहयोग दिया था। यह हॉकी के प्लेयर थे। कौन? क्लाडियस, नाम याद रखिए क्लाडियस। नेक्स्ट देखते हैं, नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन द्वारा विवेकानंद आश्रम की स्थापना कब हुई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नारायणपुर में जो रामकृष्ण मिशन द्वारा विवेकानंद आश्रम है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी 1985 में। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।